सिस्टर गई तो सिस्टर को बोली कि तुम इज्जतदार हो तो अपने घर में रहो, तो ये लड़की इधर से जाओ इधर से भाग जाओ। तो मैम हमने बोला आंटी आप तरीके से बोलिए, हम भी इज्जतदार फैमिली से हैं। तो उन्होंने बोला अगर इज्जतदार हो तो अपने घर में रहो जैसे हम लोग रहते हैं। लड़की लड़कों को इकट्ठा करती है। फ्रेम में आप देख रहे होंगे इसका नाम भले रिफ्रेश है लेकिन इस टी स्टॉल को ब्यूटी पार्लर टी स्टॉल कहा जाता है। ब्यूटीशियन yes, अच्छा आप ब्यूटीशियन? यस मैम ब्यूटीशियन है। अच्छा मैम कोर्स करा है और जो है जॉब भी करा पार्लर में लेकिन उससे हो नहीं पाया, सफिशियंट था नहीं वो, उतना सफिशियंट था नहीं चूँकि हस्बैंड की भी उतनी इनकम थी नहीं, इस वजह से जो है मैम प्रॉब्लम बहुत होती थी। 10,000 सिर्फ सैलरी थी, उसमें बच्चे का पढ़ाई और मकान का किराया, बिजली का बिल, घर का राशन, बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। मतलब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। 10,000 में ये सब संभालना था, मतलब जो भैया उनकी सैलरी 10,000 रुपये थी। हाँ तो उतने में मैम उनकी सैलरी नहीं थी, उनकी तो बस 5। अच्छा अरे हाँ वो भी कभी मिले, वो एक्चुअली वो इंश्योरेंस में है तो कभी किया तो मिला, नहीं मिला तो कभी कुछ नहीं मिला, ये चीज़ हो जाता था। और आप जो अभी बता रही हूँ वो अपने जब आप पार्लर वगैरह में काम करती थी तब का हमको 10,000 मिलता था। अच्छा। तो हम 10,000 में कभी कभी इनको कुछ नहीं मिल पाता था तो 10,000 में मैम हो नहीं पाता था, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता था। बेटी भी मेरी बहुत निराश हो जाती थी, कहती थी मम्मी रहने दो मत पढ़ाओ, तो वो फीलिंग अंदर से अजीब सी आने लगती थी, तो लगता था क्या करें। तो मन में मेरे भी एक बार आया कि क्यों ना टी स्टॉल खोल लिया जाए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो पाती थी कि हाँ टी स्टॉल खोल ले। लेकिन जब से आई हिम्मत प्रियंका गुप्ता को देख के मैम। अच्छा। मैम जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो हिम्मत आई, लेकिन फिर भी सोचते चूँकि इतना पैसे भी नहीं थे कि ये स्टार्ट किया जाए, स्टार्टअप के लिए मैम पैसे भी नहीं थे, करते धीरे धीरे किसी तरह मतलब मैनेज करते फिर तब तक यूनिवर्सिटी पे अवनी नहीं देखा, फिर वहाँ मॉडल चाय वाली, तो मैम हिम्मत अपने आप मेरे अंदर आ गई, फिर मैंने जो है ओपन कर लिया, थोड़े से ही किया, 15-16,000 से स्टार्ट किया और अभी देखिए कर रहे हैं, छोटा सा जो समझ में आया हो गया। कैसा चल रहा है मैम? ठीक है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब मैक्सिमम लड़कियाँ टी ही स्टॉल क्यों खोल रही हैं? मैम इसलिए क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट है, कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करने वाला है मैम ये, इसमें बहुत पैसे नहीं लगे। बाकी और बिजनेस अगर स्टार्ट करिए तो उसमें पैसे की अच्छी व्यवस्था। मैम देखिए जैसे हम ब्यूटिशियन हैं, हमने सोचा हम अपना पार्लर खोल लें, लेकिन उसके लिए हमको अच्छे से अच्छे मतलब 1.5-2.5 लाख रुपये तो चाहिए ही चाहिए थे। अगर हम उसमें एक मशीन भी स्ट्रेटनिंग मशीन भी दें मैम तो वो भी 10,000 से कम का नहीं आने वाला है। और मैम ये मेरा 12,000 से 13,000 में हो गया, इसलिए सोचा। और ज़्यादातर लड़कियाँ चाय ठीक ठाक बना लेती हैं, घर का काम करती हैं तो चाय बनाने में दिक्कत नहीं है, तो मैम इसलिए मतलब ये क्यों कर रही हैं, क्या क्या एम क्या है इसको खोलने का? मैम एम बस इतना है कि अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को दुरुस्त करना। अच्छा। अपने बच्चे को पढ़ाना, इनके बच्चों को भी मैम किसी तरह पढ़ा के आगे बढ़ा देना, बस यही हम लोग का है। दोनों बहनें हैं और दोनों बहनें हैं और दोनों रेड पहने हैं। मैम इत्तेफाकन आज यही हो गया कि दोनों ने रेड पहन ले। मतलब पहले ये खुरापात किसके दिमाग का था, आपका कि उनका? मेरा। हम लोग रात में जैसे रात में हम लोग टहलने निकले तो एक ठेला लेके जा रहे थे, तो हम लोग सोचे कि रोने से अच्छा है, बच्चे इतना दुखी रहते, घर में इतनी परेशानियाँ रहती, इससे अच्छा कि हम लोग भी एक स्टॉल ही खोल लें छोटा मोटा, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी इसके दिमाग में। मतलब क्यों हिम्मत नहीं हो पा रही? क्या कहेंगे, हाँ लोगों का सपोर्ट नहीं था मतलब घर में, लेकिन धीरे धीरे सारा सपोर्ट सब लोग करने लगे, अपने घर में भी यहाँ के लोग भी करने लगे सपोर्ट हम लोगों को बस। अच्छा, सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ से हुआ? मैम विरोध हस्बैंड से ही था। अच्छा। तो वो रेडी नहीं हो रहे थे, लेकिन मैम फिर मैंने बोला कि अगर आप मुझे ला के दो तो मैं नहीं करूँगी, पहले आप उतना कर दो तो मैं नहीं करूँगी। ट्राई भी करा उन्होंने, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं हो पाया। मैम आजकल इंश्योरेंस, पहले तो इंश्योरेंस हो जाते थे, आजकल इंश्योरेंस सेक्टर भी ऐसा है ना कि मैम नहीं हो पाता। फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैम हमको पार्लर का जॉब भी छोड़ना पड़ गया था और फिर ये बेड पे आ गए थे, उस समय सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, तो लगा कि अब हमको कर लेना चाहिए नहीं तो फिर चल नहीं पाएगा। हाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी और सपोर्ट मम्मी का मेरे बहुत रहता था और मम्मी आज भी मेरे सपोर्ट में खड़ी हैं और मतलब मेरा फ्रेंड है उसने भी बहुत सपोर्ट करा है, मतलब हम सब ने मिलकर ये चीज़
अच्छा, क्या लगता था मतलब जब ऐसा टी स्टॉल खोलेंगे तो क्या बोल देंगे लोग, ऐसा क्या डर था? मतलब हम तो लोकतांत्रिक देश में हैं, लड़कियां इतना आगे बढ़ रही हैं, फिर क्या डर था, क्यों आप लोग? मैम जैसे होता है कि सोच सबकी नहीं ना एक जैसी होती है। अभी ये बगल में ही थी, सिस्टर गई तो सिस्टर को बोली कि तुम इज्जतदार हो तो अपने घर में रहो। अच्छा, ये बोली ऐसे हमसे बोली कि तुमको नहीं लगाना है, तुम हटा दो यहाँ से। तो ये लड़की इधर से जाओ, इधर से भाग जाओ। तो मैम हमने बोला आंटी आप तरीके से बोलिए, हम भी इज्जतदार फैमिली से हैं। तो उन्होंने बोला अगर इज्जतदार हो तो अपने घर में रहो जैसे हम लोग रहते हैं। तो मैम ये चीज़ जो है वो मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगा, तकलीफ भी होना चाहिए था, इज्जत रोटी देता है। हाँ वही हमने बोला कि मैम को लेके आई थी, सर लोग आए थे, पुलिस को लेके आई थी, तो सर लोग बोले, उनको डांटे, बोले अगर इज्जतदार नहीं होती ये लोग तो ऐसे स्टॉल पे चाय नहीं लगाती, इज्जतदार हैं तभी इज्जत से अपना सब लोग चाय लगाए। तो सर लोग भी स्टॉल वहाँ था पहले स्टॉल हम लोगों का, तो सर यहाँ स्टॉल करके गए, तब से नहीं कुछ बोलते। मैं स्टॉल 3-4 बार हटा चुकी, थोड़ी थोड़ी जगह पे, थोड़ी थोड़ी जगह पे। फिर CEO सर आए, सर लोग आए, मतलब इन्होंने एप्लीकेशन डाल दिया, सर लोग आए, सर लोग पहले हम लोग को डाटा, सर फिर हम लोग बोले, बोले कि तुम अपने मोहल्ले में क्यों नहीं लगाती हो? तो हम बोले सर मेरा गली में है, गली में हम कहाँ लगाएंगे, आप चलिए दिखा दीजिए, हमें जगह बता दीजिए, तो वहाँ लगा लेते हैं। फिर जब हम लोगों ने अपनी बात बताई तो सर लोगों ने भी बोला, फिर यहाँ वो लोग फिक्स करवाएं, बोले अब यहाँ से तुम लोगों को कोई नहीं हटा सकता है। हाँ CEO सर थे, बाकी दरोगा सर काफ़ी लोग थे, सब लोगों ने बोला, परसों भी वो लोग आए थे और उन लोगों ने बोला ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, अब तुम लोग का स्टॉल यहाँ से हटेगा नहीं। रहते हैं आके कि कोई दिक्कत नहीं ना है, हम लोग कहते नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कहे अगर कोई भी दिक्कत होगी आप लोग फ़ोन करिएगा, हम लोग आ जाएंगे। बस इनको लोग समझ रहे हैं। हाँ अब यहाँ के लोग भी धीरे धीरे समझ रहे हैं, बहुत अब यहाँ के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ नहीं तो भी सपोर्ट करते हैं, बस ये यही थी जो विरोधी थी यहाँ पे। अब ये भी नहीं, क्या दिक्कत है मतलब उनके उनकी बाउंड्री के बगल में कि यहाँ पे लड़के आते हैं हुड़दंगई करते हैं, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, हुड़दंगई होती है, लड़की लड़कों को इकट्ठा करती है। हाँ मैं समझ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे आते थे लोग चाय पीते, हम लोग अपना चाय बना के देते थे, अपने में बात करते तो लोग चाय पीते थे चले जाते थे, लेकिन इनको दिक्कत थी हम लोग यहाँ स्टॉल ना लगाए, इनको दिक्कत यही थी यहाँ पे। तो वो मैम सबसे बड़ी बात है, अगर हम लोग को इज्जत से नहीं रहना होता तो बहुत से रास्ते हैं पैसे कमाने के, लेकिन मैम हम लोग को इज्जत से कमाना था तभी आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात में 8-8:30 बजे तक हम लोग खड़े रहते हैं, तो हम लोग की भी तो एनर्जी लगती है, हम लोग को भी तो मेहनत लगता है, फिर घर जाते हैं वहाँ से करके आना, फिर यहाँ से जाके करना, मैम मामूली बात तो नहीं है ना। तो मैम वो चीज़ हम लोग जो फेस कर रहे हैं इसीलिए ना कर रहे हैं कि अपनी फैमिली को, मैम जो दिक्कत एक सिचुएशन ऐसा आ जाए फ्रस्ट्रेशन में आदमी कोई गलत कदम उठा ले, उससे अच्छा है कि हम कुछ कर ले। सही है कि नहीं सही है? तो वही मतलब ये लड़कियां ना ये बता रही हैं कि परिस्थितियों को कोसने से बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के बारे में सोचिए, है ना। प्रॉब्लम आपके घर में भी है और जो देख रहे हैं उनके घर में भी है, मेरे घर में भी है, लेकिन कौन उसको उससे लड़ के स्टेप लेके आगे बढ़ता है जैसे आप ले रही हैं। यस मैम, और मैम अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ पहले डरते थे लेकिन अब सारा डर, डर का कारण क्या? डर ये था कि क्या कहेंगे लोग, मतलब ऐसे फैमिली से बिलोंग कर रही है, उसके बाद मैम मेरी मम्मी मेरे ससुर मैम ये लोग अच्छी खासी फैमिली से, मतलब हाई फाई थे मैम, यहाँ के BM थे वो मेरे जो थे ससुर थे, नामी हस्ती थे मैम, तो उन डर लगता था कि हाँ जो है लोग कहेंगे क्या, लेकिन फिर सोचे नहीं मैम कोई नहीं करता है, कोई हेल्प तक नहीं करता, अगर रिलेटिव्स भी होते हैं ना, मतलब नाम नहीं लूँगी मैम, लेकिन मेरे ही एक रिलेटिव, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, उन्होंने कॉल करा मैम, मेरे पास पैसे नहीं थे कि उसका इलाज, उसको इन्फेक्शन हो गया था, उन्होंने कॉल करा बेटा, बोला मैं तुम्हारी बेटी की तबीयत इसलिए नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, तो जब हेल्प नहीं कर सकती तो पूछने का भी हक नहीं है। और मैम उनके 60-70 हज़ार सैलरी पर मंथ की है, तो अगर आप 5 हज़ार की हो मैम बहुत करीबी, नाम नहीं लूँगी, बताऊँगी मैंने क्या रिश्ता है, वरना अगर देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैम वो सोचिए वो क्या तकलीफ हुई होगी कि जब आप इतना नहीं कर सकती हैं इसलिए आप तबीयत भी नहीं पूछ सकती हैं, तो फिर हम किसका है वो करेंगे मैम, किसके बारे में सोच के हम ना जाएं, इससे अच्छा हम निकलें भाई, जिसको हम जन्म दिए हैं उसके बारे में हम ही सोचेंगे ना, कोई नहीं पूछेगा, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं, बल्कि मेरे हम लोग के फ्रेंड्स हम लोग के बहुत सपोर्ट में रहे, रिलेटिव से ज़्यादा सपोर्ट में हम लोग के फ्रेंड्स हैं। मेरी सिस्टर थी वो प्रियंका गुप्ता का वो वीडियो देखी थी, तो वो हम लोगों के पास बोली बोली कि देखो ये एक भी मतलब पढ़ाई करके अपने स्कूल के सामने ही स्टॉल लगाई है, उनको नहीं डर है, तो तुम लोग क्यों इतना डर रही हो, समाज को सोच रही हो? तो हम लोग कहें ठीक है अब भेजो, हम लोग भी देख लें, हम लोगों के अंदर भी हिम्मत आ जाएगी। अच्छा आपका क्या नाम था? हर्षु दुबे, संयोगिता तिवारी। तो ये जो हर्षु हैं इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई, इन्होंने बताया कि जब घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी
तब जब बेटी परेशान होती थी और ये कहती थी कि रहने दो माँ मत पढ़ाओ, तब एक माँ का दिल ही जानता है कि कितना कचोटता होगा, कितना दुख होता होगा। तो जैसे कि कहते हैं ना कि माँ से बड़ा योद्धा कोई होता नहीं है, ये अगर माँ नहीं होती तो मैं गारंटी दे सकती थी कि ये टी स्टॉल नहीं खोलती और यहाँ इस चौराहे पर खड़े होकर चाय नहीं बेचती। माँ है इसलिए मजबूरी है, इसीलिए मजबूर है माँ है मैम, इसीलिए मजबूर है, वरना बिल्कुल नहीं आते मैम। अपने लिए तो मैम 10,000 मेरा काफ़ी था, 10,000 काफ़ी था, हम अपना और हस्बैंड का दोनों का कर लेते, लेकिन बेटी के लिए मैम करना था, उसको पढ़ाना था, उसको आगे बढ़ाना था। क्या बनना चाहती मैम बेटी मेरा? हम तो चाहते हैं कि कुछ अच्छा ही करे, लेकिन वो चाहती है टीचिंग, उसको टीचिंग बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, तो वो टीचिंग जॉब ही चाहती है। तो जो जो यहाँ टी स्टॉल पर रहती है तो घर पर खाना वाना कौन बनाता है? मैम इनकी बेटी है। अच्छा। वो बना लेती है और पूरा मतलब वो लंच भी बना के भेज देती है, घर पे बना के रख भी देती है। अरे वाह, कितने साल के हैं वो? 14। बहुत सपोर्ट करती है मैम वो हमको। मैम बहुत सपोर्ट करती है। कितनी समझदार है वो लड़की जो मैम। माँ सारे बर्तन भी हम लोग के जाने के बाद हम लोग को नहीं करने देती है, वो सारे बर्तन भी वो साफ करके रख देती है। उसका सोच ही अलग है मैम। वो आपके टी स्टॉल पर खड़े होकर भले आपकी मदद नहीं कर रही है, लेकिन इनसाइड वो आपकी इतनी मदद कर रही है ना, मतलब अगर आप कभी टूट भी जाएं तो आप उसको देख के हिम्मत ले सकते हैं कि वो बच्ची जो जो आपसे उम्र में पता नहीं कितनी छोटी है, लेकिन कितनी है मैम, 14 साल की है, क्या एज होगी, 11-12 साल की मेरी बेटी है। अच्छा, कभी आपकी बच्ची नहीं बोली कि मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे जब आप चाय बेचती हैं तो? पहले उसने कहा मम्मी ये काम करोगी, तो मैंने बोला बेटा कर भी क्या सकते हैं, तुम बताओ इसके सामने इसके अलावा कोई तुमको रास्ता दिख रहा है? सोचे तो बोली ठीक है मम्मी, लेकिन अगर जिस दिन हम कुछ करने लेंगे उस दिन तुम बंद कर देना। हम कहे बेटा ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन तब तक तुम कुछ नहीं बोलोगी। तो बोली ठीक है मम्मी। अच्छा नहीं लगता कभी कभी उसको फील होता है, लेकिन अब तो नहीं ऐसा करते। कभी कभी फील होता है कि उसकी वजह से हम लोग को ऐसा करना पड़ा, लेकिन हम लोग सोच समझाए बेटा कोई बुराई नहीं है, आखिर आजकल किस फील्ड में लड़कियां नहीं हैं। सही बात है। मैम एक सिंगार का दुकान खोल के एक लेडी बैठ रही है, तो मैम वो भी तो रोड पे ही बैठ रही है। सही बात है। वो भी रोड पे बैठ रही है, कोई भी लेडीज है मैम, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खड़े हैं तो हम गलत ही हैं। हम काम कर रहे हैं, अपना चाय बना रहे हैं, चाय दे रहे हैं मैम, घर पर भी अगर यही चाय बना के दे तो हम अच्छी हाउस वाइफ हो गए, अगर यहाँ हम सबको दे रहे हैं तो हम बुरे कैसे हो गए, चाय ही तो दे रहे हैं। बस यही बात है। पता है इतने देर की बात में मुझे सिर्फ एक पॉइंट ऐसा लगा जिस पर मैं बोल सकती हूँ, वो ये कि जब इन्होंने बताया कि जब कोई नहीं साथ खड़ा था, जब कोई रिश्तेदार नात रिश्तेदार मेरे साथ खड़े नहीं थे, तो किसी का हक नहीं बनता कि वो मुझे रोके। बस यही बात है कि जब आप मजबूर हैं तो आपकी थाली में कोई रोटी डालने नहीं आता है, तो वो कौन लोग हैं जो आपको रोक दें? अगर आप कुछ करना चाहती हैं, मैं उन तमाम लड़कियों को कहना चाहती हूँ जो जो मुझे देखती हैं और उनको लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर रही हूँ और उनको भी करने का मन है, तो आप इनको भी देख के सीखिए, ये भी महिलाएं, ये भी लड़कियाँ हैं, ये नहीं निकलना चाहती थी और निकलती भी नहीं, लेकिन मजबूरी थी, अपनी बच्ची को पढ़ाना था तो ये निकली। उन तमाम लोगों से यही कहना है कि जो लोग डरते हैं कि क्या कहेंगे लोग, एक बार सोचिए कि जब आप परेशान होंगे तो क्या ये लोग आपकी मदद करने आएंगे? वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जब आप परेशान ना हो और ये मदद ना करें तो फिर आप इनसे क्यों ही डरते हैं? समझ नहीं आता मुझे। जब आपके रोटी पर नमक रखने वाले ये लोग नहीं हैं, आपकी मदद नहीं कर सकते, तो इनके बारे में मत सोचिए और इनके जैसा कुछ करने के बारे में सोचिए। ये लड़कियाँ, ये औरतें अब आत्मनिर्भर हैं और अपने दम पर कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। हालाँकि बोलने वालों ने बहुत कुछ बोला होगा, ये कोई रिसर्च की बात नहीं है कि इनको कितना ताना सुनना पड़ा होगा। जैसे ये अभी एक महिला की कहानी बता रही थी कि वो बोल रही थी कि इज्जत वाली होगी तो अपने घर में रहोगी, तो इज्जत लेकर अचार डाल लें क्या? इज्जत रोटी देता है क्या प्लेट में? जब भूख लगती है तो इज्जत से पेट नहीं भर जाता, रोटी से भरता है, और वो रोटी ना रिश्तेदार देते हैं और ना पड़ोसी देते हैं, रोटी हमें खुद कमानी पड़ती है। और ये एक रोज़गार है जो ये महिलाएँ कर रही हैं, और रोड पर चाय बेचना ना बहुत मेहनत का काम होता है। एक दुकान पर बैठना और रोड पर चाय बेचना, दोनों में अंतर होता है भाई, आप समझिए। और भले ही किसी को देख कर ही अगर हिम्मत मिली है तो आप खड़ी हुई हैं, इसके लिए आपको भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। और अगर सारी महिलाएं ऐसे ही किसी पर निर्भर ना होकर आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचने लगे, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले कल में तो हम पक्का दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि विश्वगुरु बन ही जाएंगे और हम विकसित हो ही जाएंगे। अमूमन ये होता है कि हमारे समाज में महिलाएँ जो है
वो पति की सैलरी पर निर्भर रहने वाली होती हैं, जो जो है उसमें घर चलाएं, इस तरीके की बात हमें सिखाई जाती है। लेकिन अगर महिलाएं ये सोचें कि नहीं, हम घर को आगे ले जाएंगे, उसके लिए मैं भी मेहनत करूंगी, तो कितना बेहतर होगा। नहीं मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो मैम, मेरा तो यही सोचना है कि मैम अब एकदम ही ना सोचे कि हस्बैंड कर रहा है तो ठीक है वो करेगा, तो सही है, नहीं कर रहा है तो कैसे करेंगे। अब ये सोच ही बंद कर दें, खुद में हिम्मत लाएं, खुद को आगे बढ़ाएं और कुछ करके दिखाएं। मैम बस हम तो यही कहेंगे, क्योंकि मैंने, हाँ मैम खुशी है मैम, हम लोगों ने बहुत साल बर्बाद कर दिए। निराश होती हैं कभी, जब बहुत, कभी तो लगता था कि अब बस हो गया, अब इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाए मैम, यहाँ तक हम लोगों ने सोच लिया था। लेकिन फिर सोचे नहीं, अगर हम हिम्मत आ जाएंगे तो फिर कैसे आगे होगा, तो फिर खुद को फिर खड़ा किए, खुद आगे बढ़ाए। मैम बस हम लोग ना, हम लोग के फ्रेंड्स बहुत हम लोग के सपोर्टिव थे, फ्रेंड्स के सपोर्ट ने भी हम लोग को बहुत आगे दिया है, बहुत ज़्यादा। मैं मेरे स्टार्टअप के लिए मेरे फ्रेंड ने, मम्मी ने, मैं सब लोगों ने मिलकर हेल्प किया और करा। मेरे फ्रेंड ने तो उसके पूरे पेमेंट उसी ने करा, उसको वो है कि हम करेंगे तो उसको लौटा देंगे, लेकिन मैम उसने हेल्प बहुत करी है, तो उसका तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, वरना भी आज भी नहीं कर पाते। एक चाचा यहाँ पर खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो पूछते हैं चाय के, चाचा चाय पिए हैं यहाँ पे कभी? नहीं, चाय तो अभी पहली बार लेके जा रहे हैं, अभी तो ऑफिस से आए हैं चाय लेने के लिए। चाय बोले हैं कि साहब चाय 5 लेके आओ। पिए नहीं है कभी? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, अभी हम चाय पी के आपको रिव्यू देते हैं। इन महिलाओं को जो लोग कोस रहे हैं और जिनको लगता है कि फेमस होने के लिए महिलाएं ऐसा कुछ कर रही हैं, तो आपको किसी ने रोका नहीं है। आप भी फेमस होने के लिए टी स्टॉल लगा लीजिए, हाँ, और टी स्टॉल लगाइए और समझिए कि फेमस बनने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। और जो लोग बैठ के घर में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि यार ये क्या टी स्टॉल हो रहा है, वो समझिए कि इस धूप में खड़े होकर एक घंटे नहीं, करीब 8-8, 9-9, 10-10 घंटे ये महिलाएं खड़ी रहती हैं, और एक दिन से नहीं, एक महीने से खड़ी हैं।